सब्सक्राइब कीजिए टेक जी चैनल को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको लिनोवो K6 पावर के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके फिजिकल ओवरव्यू से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, ये देखिए। उसके ऊपर में ही आपको नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक सिंगल LED फ्लैश मिल जाता है और उसके नीचे ही एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको लिनोवो का बैंड रिंग मिल जाता है और उसके नीचे आपको डुअल स्पीकर मिल जाता है जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड है। और इस साइड पे आपको सिम लगाने के लिए एक हाइब्रिड शॉट मिल जाता है और यहाँ पे कुछ नहीं है। और इस साइड पे आपको अनलॉक बटन और वॉल्यूम अप डाउन रॉकर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक मेन माइक्रोफोन मिल जाता है और ऊपर आप यहाँ पे एक हेडफोन का 3.5 mm जैक और चार्जिंग USB पोर्ट जो USB 2.0 है। और सामने इसका डिस्प्ले 5.5 इंच का है जो एक फुल HD डिस्प्ले है। और यहाँ पे आपको 3 कैपेसिटी टच स्क्रीन मिल जाता है, यहाँ पे बैकलाइट नहीं मिलता कोई। और यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो बैटरी दोस्तों इसका नॉन रिन्यूएबल है, यहाँ पे आपको 4000 mAh का एक बैटरी मिल जाता है। तो चलिए इसे पावर ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों इसका पावर ऑन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब तक इसका पावर ऑन हो रहा है मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक 45 का एक प्रोसेसर मिल जाता है जो एक 1.4 GHz का प्रोसेसर है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 5 इंच एक फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो 1080p का एक डिस्प्ले है। और इसका PPI की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको 441 PPI मिल जाता है। और दोस्तों इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है। रियर फेसिंग कैमरा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा मिल जाता है। और आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। और दोस्तों GPU की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रीनो 505 का एक GPU मिल जाता है और ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड है, डुअल स्पीकर भी है। और दोस्तों ये लिनोवो का थिएटर मैक्स टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, तो आप इससे बड़ी आसानी से VR का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बैटरी इसका एक बड़ी प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों बैटरी इसका 4000 mAh का एक नॉन रिन्यूएबल बैटरी है। तो चलिए दोस्तों फोन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका पावर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका पावर ऑन हो चुका है। तो थोड़ा आपको मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 435 का एक प्रोसेसर मिल जाता है जो एक 1.4 GHz का प्रोसेसर है और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और GPU की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे एड्रीनो का 505 का एक GPU मिल जाता है आपको। और यहाँ पे आपको 5 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले मिलता है जिसका PPI है 441 PPI। और दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 6.1 मार्शमैलो मिलता है, लेकिन इसको आप अपडेट करेंगे तो नोगट बन जाएगा। तो मैंने अपडेट किया हुआ है, ये देखिए, इसलिए नोगट दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 3 GB रैम मिल जाता है और 32 GB इंटरनल मिल जाता है। और सेंसर के मामले में ये दोस्तों यहाँ पे आपको सभी बेसिक सेंसर मिल जाता है, ये देखिए, देख सकते हैं, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट तो है इसमें, लाइट एम्बिएंट, सभी बेसिक सेंसर आपको मिल जाता है, ये देखिए। और इसका स्पीकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। इसका स्पीकर बहुत ही लाउड है और बहुत ही क्लियर है, आपको मैं सुना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसका स्पीकर बहुत ही लाउड है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही क्लियर है, देखिए। तो इसका स्पीकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसका वीडियो परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो देखिए दोस्तों इसका वीडियो परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, ये देखिए। वीडियो परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिनोवो का थिएटर मैक्स टेक्नोलॉजी सपोर्टेड मिलता है, ये देखिए। आप पावर की को प्रेस करके रहेंगे तो ये देखिए नीचे VR मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये VR मोड पर चला गया है। तो ये आप बड़ी आसानी से VR का मज़ा ले सकते हैं। तो फिर से मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। और दोस्तों इसका व्यू एंगल की बात किया जाए तो दोस्तों इसका व्यू एंगल बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं, इसका व्यू एंगल बहुत ही अच्छा है, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक व्यू एंगल आपको मिल जाता है। और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात किया जाए तो दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट रीडर बहुत ही फास्ट है, ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, बहुत ही फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये देखिए इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड में कितने सारे ऐप चल रहे हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये नोगट बन चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, ये नोगट हो चुका है, लेकिन इसको आपको 6.9 मार्च में नहीं मिलेगा, और अपडेट करेंगे तो नोगट बन जाएगा। तो ओवरऑल तो मेरे हिसाब से ये फोन अच्छा ही है। तो इसका कैमरा देख लेते हैं थोड़ा, तो थोड़ा ऑब्जेक्ट रख के देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कैमरा परफॉर्मेंस मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं बाद में इसका कैमरा का फुल रिव्यू भी बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।